गाइस ये वाला व्यू देखो, मैं किस रास्ते से जा रहा हूँ और यहाँ पे नीचे बहुत डेंजरस खाई है। क्या है ये? क्या? अरे केंचुली। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे वापस पानी में। तो गाइस ये रहा देखो हमारे गांव का नेचुरल पानी, और यहाँ से पानी भरा जाता है। यहाँ पे केले पके हुए हैं और हम इसको तोड़ने वाले हैं चुपचाप से। ये है गांव का केला, ये देसी केला भाई, अपना पहाड़ी केला। हेलो गाइस, तो मैं जा रहा हूँ अब अपने गांव के पानी में। साफ पानी थोड़ा नहीं आ रहा है इस समय, जो सप्लाई का पानी है, इसलिए हमें दूर पानी में जाना पड़ रहा है पानी देने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ, और नीचे जीजा जी और दोनों मेरे मामा के लड़के जा चुके हैं, थोड़ा पीछे रह गया मैं, अभी दिखाता हूँ उनको मैं। और ये हमारे जीजा जी, ये पानी भरने के लिए जा रहे हैं हमारे साथ में, और इनके हाथ में बहुत ही बड़ी बाल्टी है। ले आओगे जीजा जी इस बाल्टी को? खैर मैं तो ये बहुत ही विशाल का डब्बा लेके जा रहा हूँ, देखते हैं ला पाऊँगा नहीं ला पाऊँगा इस चढ़ाई में। अभी जाते हुए तो कोई बेकार नहीं लग रहा, लेकिन आते हुए भाई हालत का पता चलेगा, जब भरा होगा ही तब जाके पता चलेगा। पहाड़ों पर ना हर एक काम आपके एक्सरसाइज जैसा होता है। अभी आप पानी भर के भी ला रहे हो, ये भी आपके वर्कआउट में ही आता है। तो मतलब यहाँ पे तो आदमी की लाइफ ऐसे भी 10-15 साल एक्स्ट्रा हो जाती है, क्योंकि यहाँ आदमी काम करता रहता है। आप गाय चराने जा रहे हो, आप गाय के लिए घास काट के ला रहे हो, आप पानी भरने के लिए जा रहे हो, आप फ्रेश एयर इनहेल कर रहे हो, आप साफ पानी पी रहे हो, आरओ से भी साफ पानी होता है यहाँ पहाड़ों पे। तो सब कुछ नेचुरल है और बहुत बढ़िया है। गाइस ये वाला व्यू देखो, मैं किस रास्ते से जा रहा हूँ और यहाँ पे नीचे बहुत डेंजरस खाई है, डर लग रहा है मुझे। ओ भाई, तो गाइस ये दोनों तो मेरे भाई पानी भरने के लिए आए थे, लेकिन थोड़ा हवा कम है स्कूटी में, तो ये ऊपर जा रहे हैं पहले हवा भरवाने के लिए, और अभी आएंगे थोड़ी देर में। जल्दी आना भाई, हाँ जल्दी आना। लूटिक नो रिप्लाई, हम यहीं पे वेट करेंगे। क्या है ये? सांप। क्या? अरे केंचुली। हाँ भाई यहाँ सांप ज्यादा होता है ना। तो गाइस देखो यहाँ पे ना, इधर बारिश की वजह से टूट गया था, तो सारे सर वहाँ पे खड़ा था मैं उस समय, तो वहाँ से सीधा नीचे गिर के आता अगर बंदा, अगर आता तो यहाँ पे सीधा नीचे, और चोट कितनी लगती उस बेचारे के। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बिल्कुल टूट रखा है बारिश की वजह से, सारी सारी रोड खराब हो गई वाली इधर, इतनी सारी सारी। तो गाइस दोनों के दोनों भाई आ गए थे मेरे, और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे वापस पानी में, और ये है रास्ता, ख़राब हो रखा है बारिश की वजह से, सब जगह रोखड़ रोखड़ा रखे हैं मतलब पत्थर। तो गाइस ये है हमारे नेचुरल पानी का सोर्स, और ये रहा देखो नीचे। अब तुम कैसे गाइस? ये देखो पानी, पानी क्या है ये? कंडली, अरे कंडली है ये भाई, ये है बिच्छू घास, अगर लग गया ना तो भाई साहब बंदा उठता नहीं है दो घंटे तक। तो गाइस हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं सांप, ये कह रहे हैं यहाँ पे सांप है, तो देखते हैं कैसा सांप है वो। तो अभी भी इस छोटे से कुंड में कह रहे हैं कि यहाँ पे सांप है, और इसको पॉग बोलते हैं। कहाँ मेंढक का है? नीचे तक सांप नहीं है इसमें, अगर मेंढक है तो सांप, मेंढक नहीं तो सांप नहीं है, ये कौन सा लॉजिक है? ये लॉजिक ऐसा है कि अगर सांप लेता तो मेंढक को खा लेते। अच्छा उसको खा लेती। तुम्हारी ये अभी भी वाली लैंग्वेज है? अभी वाली लैंग्वेज है। तुम यहाँ पे क्या करती फिर? तुम यहाँ पे क्या करती? अभी भी इतना तालाब हमारे सऊदी में होता है तो हम इससे बिजली उत्पाद करते हैं। बिजली उत्पाद करते हो तुम इससे? हाँ अभी भी। और क्या करती तुम? हम इससे पानी चक्की यूज करते हैं। पानी चक्की। तो भाई हम लोगों को एक पेड़ मिला है, उसके ऊपर केले पके हुए हैं, तो ये गांव में किसी का है, तो हम सोच रहे हैं उसको चुपचाप से तोड़ के ले आए। और दूसरा नंबर बात, एक बुड्ढा और एक बूढ़े अंकल जी आ रखे हैं गांव के, तो पानी भरने के लिए जा रखे हैं इधर। अब इनके सामने तो नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन उसके जैसे चले जाएंगे पानी भर के, फिर हम सब के सभी चारों चारों दो भाई और जीजा जी हम जाएंगे पानी धोने के लिए। गाइस हमें छोड़ के चले गए आगे, मैं पीछे वीडियो बनाने पर रह गया था, और हम जा रहे हैं चुपचाप से एक रेस्क्यू मिशन के ऊपर। हम जा रहे हैं पके हुए केले तोड़ने के लिए चुपचाप, पता नहीं किसके केले हैं, लेकिन हम तोड़ेंगे इसको। और गाइस जरा ये देखिए, यहाँ पे है ये केले का पेड़, और यहाँ पे केले पके हुए हैं, और हम इसको तोड़ने वाले हैं अब चुपचाप से। तो गाइस ये मेरा भाई, और ये
केला तोड़ रहा चुपचाप से, और हम यहाँ पे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बैठे हुए हैं। इधर हम साइड में हम ध्यान भटकाने के लिए बैठ रखे हैं, और चुपचाप जाएगा और देखते हैं केला तोड़ पाता है कि नहीं तोड़ पाता है। हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, चुपचाप से इसको देखते रहेंगे। भाई ध्यान से हैं, ध्यान से अमन देख के आराम से, भाई सब चलेगा, कोई नहीं है, बस आराम से जा। पेड़ हिल रहा है पेड़। और गाइस ये बहुत ही खतरनाक मिशन पे इस समय मेरा भाई, देखते हैं क्या होता है, क्या तोड़ पाएगा ये। अग्निवीर बनेगा, मैं थोड़ा इधर जाता हूँ। तो गाइस हैं मधुमक्खी उसके अंदर हैं, इतना थोड़ी नहीं होंगे, अरे हल्की होंगी, हल्की झाड़ दो से निकल जाएंगे आराम से। हाँ हमसे वीडियो बनाने के लिए ऐसा, अगर कोई आएगा तो बोल देंगे वीडियो बना रहे हैं, बाकी तोड़ ले। एक दो होंगे यार, मधुमक्खी ज्यादा नहीं होंगे तो तोड़ दो यार, कुछ नहीं कर आराम से तोड़ लेगा यार। मतलब पूरे तोड़ लेना, पूरा नहीं तोड़ेगा, चार पीस तो तोड़। हाँ कहाँ गया तेरा? देखो भाई ये है गांव का केला, ये देसी केला भाई, अपना पहाड़ी केला। तो गाइस जीरा देखो देसी केला गांव का। तो गाइस अब जीजा जी भी चले गए, कह रहे हैं बाकी केले मैं तोड़ूंगा अमन भाई की हेल्प करने के लिए, क्योंकि मधुमक्खी भी है ना उस पेड़ पे, तो परेशान हो रहे हैं अमन, परेशान हो रहा है उसमें, उसे खा लेगी तो फिर यहाँ की मधुमक्खी भी ख़राब होती है भाई। तो गाइस जीरा देखो हमारे गाँव का नेचुरल पानी, और यहाँ से पानी भरा जाता है अभी भी। क्या आपके यहाँ पर भी ऐसे नेचुरल पानी का सोर्स देख रहे हो? एकदम ठंडा पानी है भाई, गरम तू ठंडा है, गरम है। अरे हाँ ठंडा है वो। अरे भाई ये तोड़ रहा था केला, केला खा रहा है आराम से। हाँ भाई कैसा लग रहा है केला? आहा। मजा आ गया? और तोड़ने में कैसा लगा? डर लग रहा था कैसा, कितना डर? गगरन केला खा रहा है, गगरन केला। भाई मस्ती तो बहुत हो गई है, अब भरने के बाद इन डब्बों को ऊपर भी लेके जाना चढ़ाई पे, थोड़ा उसके बारे में सोच के डर लग रहा है मुझे। चलो फिर भी ट्राई करेंगे, भरेंगे ऊपर लेके जाएंगे। ये भयो। तो गाइस पानी पूरी भर लिया गया है और अब सबके साथ पानी लेके जा रहे हैं। भाई बाल्टी लेके जाऊंगा मैं वीडियो बनाऊंगा बाकी। यार जी जाए धोखे वाली बात है यार, यार तुम लेके जाओ उसे यार। तो भाई हालत खराब हो गई पानी ले जाने में, अभी तो चढ़ाई कुछ भी नहीं चढ़ी है, पूरी खड़ी चढ़ाई रहती है अभी। अब सर चढ़ाई भी चढ़नी है, पानी भी लेके जाना है, कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा। नीचे तो आ गया मजे मजे में, लेकिन अब हालत ख़राब हो रही है। तो भाई आधा रास्ता टप लिया है मैंने, और अब आधा रास्ता रह गया और थोड़ी देर पहुँचने वाले हैं। भाई मैं जाते ही ना लेट जाऊँगा, अभी फ़िलहाल कोई ब्लॉग नहीं बनाऊँगा, उसके बाद घर पहुँचने के बाद फिर बाकी के ब्लॉग कल बनाऊँगा। भाई मन कर रहा है इस खाई में फेंक दूँगा डब्बा। तो गाइस घर पहुंचते फिर अंधेरा हो चुका है और वीडियो भी इतनी क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा रह गया है, 100-150 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा। भाई अमन कह रहा है कि घर में किसी को नहीं बताना कि हमने वहाँ पे चुरा के केले खाए, लेकिन जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तो सबको पता चल जाएगा, तब क्या होगा है भाई अमन, तब क्या होगा। तो गाइस हम लोग घर पहुँच चुके हैं पानी भर के। तो गाइस फाइनली हम घर पहुँच गए, पानी पूनी पी लिया है, और आज के दिन की सीरीज़ के लिए बस इतना ही, आज की वीडियो बस इतनी बना रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ, कोई ब्लॉग नहीं शूट करने वाला मैं इसके आगे। बाकी के ब्लॉग मैं कल बनाऊँगा, कल अपने दादी गाँव जाऊँगा तो दिखाऊँगा आप लोगों को मेरा दादी गाँव कैसा दिखता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक मार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने अपनों का ध्यान रखिए, टाटा गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।